20 लाख में टेस्ट है। 20 लाख में टेस्ट है, मैं सोच ही नहीं सकता। अभी 50 लाख ले और मुझे मंगवा के दे। मैं आपको सच कह रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही। कैसे हो सकता है 20 लाख की टेस्ट? इंडिया दे रहा है, ब्रांड इंडिया दे रहा है। टेक्सला 20 लाख में, टेक्सला 20 लाख में, नहीं इंडिया 20 लाख में। मुझे पता है, मैं मेरे सामने मेरी टीम खड़ी है, उनको पता है। बताए भाई टीम, मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं बोल रही। ठीक है, मैं समझता हूँ कि मैं क्या अपनी फीलिंग्स बताऊँ कि वाकई 20 लाख में, और 20 लाख में बड़ी गाड़ी वो भी 20 लाख में तो कोई गाड़ी नहीं आएगी। आई थिंक यूज में भी कोई नहीं आएगी 20 लाख में। ठीक है, ओके। लेने के लिए भी कोई कम से कम भी हमारे पास 25 से 30 लाख होना चाहिए। टेस्ला आपको 20 लाख में दी जा सकती है तो क्या कहेंगे? मैं मानता नहीं फिलहाल तो इस बात। 20 लाख में जुतियाँ भी नहीं कोई मारेगा, नई गड्डी तो आते रही। ये है कि सेकंड हैंड कोई मिल जाएगी, कल्टस में ईरान कोई टूटी फूटी सी जो गुजारा करके चला लेंगे। तो 400 to 500 times आप उसके ना ड्यूटी लग जाती है। Exactly. 1 लाख की चीज़ अगर इम्पोर्ट हो रही है ना, वो यहाँ पे 6 लाख की बाहर निकलती है कराची से। वाओ, इनकी देखो 20 लाख, ये कब हुआ है? देख लो, हो गया 20। ये तो गाड़ी कितनी जबरदस्त है, मतलब ब्लैक कलर और अमेजिंग, हर कलर में मिलेगी यहाँ ब्लैक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक सर। क्या नाम है? इलियास। अरसलान। अरसलान जी, आज का हमारा सवाल ये है, अगर आपके पास 20 लाख रुपए हो तो यहाँ पाकिस्तान में कौन सी अप्लाइड फॉर गाड़ी आप लेंगे? बहुत मुश्किल है। क्यों? पाकिस्तान में अप्लाइड फॉर गाड़ी और 20 लाख में हो ही नहीं सकता। तो फिर अगर चले अप्लाइड फॉर नहीं तो सेकंड हैंड अगर आपके पास ऑप्शन हो तो कौन सी गाड़ी लेंगे 20 लाख में? अच्छी ऑप्शंस मिलती नहीं है, बड़ी गाड़ी मिलती नहीं है, वो छोटी सी आएंगे उसमें। फिर बंदे का यार ये क्या 20 लाख भी लगा रही है इतनी सी गाड़ी, क्या फ़ायदा उस चीज़ का? 20 लाख में तो मेरे ख्याल में इस वक्त महरान तो चली गई है तकरीबन 19-20 लाख पे जी। जो मेरे ख्याल में एक गाड़ियों में से गाड़ी भी कोई नहीं है। और मैंने तो वैसे कुछ 6-7 ब्रांड यूज़ किए हुए हैं, तो महरान तो जस्ट लाइक एक पंजाबी में कहते हैं ना, वो एक रेड़ा चलाने वाली बात है। तो उसकी प्राइस भी देखें 20-21 लाख पे चली गई है। और मतलब एक बड़ी इंतहा है, प्राइस कंट्रोल ही कोई नहीं है। जिस ब्रांड का जो दिल चाह रहा है वो उतनी प्राइसेस को अप करता चला जा रहा है डे बाय डे। अब देखें सिटी जो आम सिटी एस्पायर है वो आ रही है 48-49 की। तो मतलब ये बड़ी इंतहा, इतनी प्राइसेस होनी नहीं चाहिए। और बाहर अगर सिविक है वो 1.9 की हो चुकी है। हाँ जी बिल्कुल, सिविक 1 करोड़ से ऊपर जा चुकी है इस वक्त। अच्छा सर, बड़ी अब नॉर्मल प्राइसेज हैं। 20 लाख में जुतियाँ भी नहीं कोई मारेगा, नई गड्डी तो आते रही। ये है कि सेकंड हैंड कोई मिल जाएगी, कल्टस में ईरान कोई टूटी फूटी सी जो गुजारा करके चला लेंगे। अच्छा 20 लाख रुपए में कोई अप्लाइड फॉर गाड़ी ब्रांड न्यू? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। महंगाई इतनी हो गई है, हर चीज़ के रेट बढ़ते चले हैं, हर चीज़ पे टैक्स लगाया जा रहा है। और अभी मैं गाड़ी ले भी ली तो पेट्रोल कहाँ से पूरा करना? 20 लाख में गाड़ी आ जाए बड़ी बात है, इम्पॉसिबल चीज़ है ये जो आप कह रहे हैं। 20 लाख होगा, टेस्ला आपको 20 लाख में दी जा सकती है तो क्या कहेंगे? मैं मानता नहीं फिलहाल तो इस बात को। क्यों मानने में आते नहीं? अगर आप कह रहे हैं कि 20 लाख में मैं आपको टेस्ला गाड़ी दे दूँगी। हाँ तो मैं झूठी बोल रही हूँ। सीरियसली? मुझे पता है, मैं मेरे सामने मेरी टीम खड़ी है, उनको पता है। बताए भाई टीम, मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं बोल रही। ठीक है, मैं समझता हूँ कि मैं अब क्या अपनी फीलिंग्स बताऊँ कि वाकई 20 लाख में और 20 लाख में बड़ी गाड़ी वो भी। आप पूछो कैसे? कैसे? इंडिया जो है पूरे एशिया में सबसे पहले टेस्ला की ऑफिशियल डीलरशिप जो है वो ले चुका है, और वहाँ पर अब गाड़ियाँ जो हैं 20 लाख में मिलेंगी आपको टेस्ला की। कहाँ पे? इंडिया में। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? पाकिस्तान में जाइए ना। पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है भाई मेरे। तो फिर यही तो मसला है, मैं भी कहूँ कैसे पॉसिबल हो सकता है 20 लाख में गाड़ी, वो भी पाकिस्तान में। देखो यार 20 लाख में इंडिया में तो मिल रही है ना। पहले पहले फिलहाल हमें इंडिया जाना पड़ेगा। हाँ। वहाँ पे गाड़ी देख दू के घर में इंजॉय करके वापस आ जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि वहाँ से गाड़ी यहाँ पर आएगी तो टैक्स लग जाएगा। अगर हम आपसे कहें कि 20 लाख में आपको टेस्ला की गाड़ी मिल सकती है तो क्या कहेंगे आप? देखें वो मैंने अभी वैसे नाम ही सिर्फ सुना है, तो बंदा जब देखता है उसके फीचर्स से आप आशना होते हैं, फिर कंपैरिजन करते हैं तो वो आपको बेहतर लगती है, तो फिर व्हाई नॉट। आप से कंपैरिजन तो उसका बिल्कुल ही नहीं ना। नहीं, मैंने बिल्कुल अभी जस्ट नाम सुना है,
मैंने देखी नहीं है ना, मुझे उसके फीचर्स पता है ना उसका एक शेप पता है क्या है, तो मैं उसके बारे में आपको ना कुछ कमेंट कर नहीं सकता। 20 लाख में तो कोई गाड़ी नहीं आएगी, आई थिंक यूज़ में भी कोई नहीं आएगी 20 लाख में। ठीक है, ओके। फ्लाइट तो लेने के लिए भी कोई कम से कम भी हमारे पास 25 से 30 लाख होना चाहिए छोटी मोटी गाड़ी लेने के लिए। अच्छा सर, लेकिन लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं आपको लेकर दे सकती हूँ 20 लाख में टेस्ला, तो क्या कहेंगे? 20 लाख में टेस्ला होगी? ये ले, मेरे से अभी 50 लाख ले और मुझे मंगवा के दे। मैं आपको सच कह रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही। कैसे हो सकता है 20 लाख की टेस्ला, आप बताएं मुझे कैसे हो सकता है? देखिए मेरी बात सुने, ऑफिशियल डीलरशिप मिली है इंडिया को और इंडिया में 20 लाख की टेस्ला मिलेगी। मैं मानता ही नहीं 20 लाख की टेस्ला, मेरे से पकड़े 50 लाख मुझे ला दे, यहाँ पर नहीं मिलेगी, यहाँ पर इंडिया में चले जाते हैं, इंडिया में चले, आपको मिलनी चाहिए मुझे टेस्ला, मिलेगी आपको। आप गूगल करें, 20 लाख की टेस्ला कैसे हो सकती है? सीरियसली, इंडिया में ऑफिशियल डीलरशिप आई है टेस्ला की और वो लोग 20 लाख रुपए में टेस्ला देने वाले हैं इलेक्ट्रिक कार। चलो फिर मेरे से 50 लाख लो, मुझे टेस्ला मंगवा दो। तो मतलब ये कि आपका अगर 20 लाख की टेस्ला आपको वहाँ मिलेगी तो आप जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगा। ठीक है, 20 लाख में टेस्ला दी जा रही है तो क्या कहेंगे? टेस्ला 20 लाख में इम्पोसिबल, कैसे क्या बात कर रही हैं आप? ये 20 लाख में टेस्ला कहाँ से आ गई? मैं कह रही हूँ ना। नहीं, आप जो कह रही हैं, आप लगता है इस टाइम घूमी हुई है, आप मुझे भी घुमा रही है, तो 20 लाख में टेस्ला नहीं आ सकती। इंडिया लग्जरी ब्रांड इंडिया दे रहा है टेस्ला 20 लाख में? नहीं, इंडिया 20 लाख में, मैं मुझे बताएं कहाँ दे रहा है इंडिया 20 लाख में गाड़ी? आप सर्च कर सकते हैं। क्या सर्च करना है मुझे बताएं? आप सर्च करें, आपको पता है कि टेस्ला की ऑफिशियल ऑन डीलरशिप जो है वो एशिया में सबसे पहले इंडिया के पास आई है। वाओ, इनकी टेस्ला 20 लाख, ये कब हुआ है? देख लो, हो गया 20। ये तो गाड़ी कितनी जबरदस्त है, मतलब ब्लैक कलर और अमेजिंग, हर कलर में मिलेगी, यहाँ ब्लैक दिखाई जा रहा है सामने, मतलब बड़े जबरदस्त डिजाइन है और ये 20 लाख में भी यकीन नहीं आ रही। सही वेबसाइट है, चेक कीजिएगा। एग्जैक्टली, यस ऑब्वियसली, हम लोग आपको सच बोल रहे हैं, ऑफिशियल बात कर रहे हैं हम आपसे। अगर ये इंडिया से मिल रही है, अगर इंडिया ना चाहिए था, यानी मुझे आपको इस वक्त इंडिया आ रहा है, इंडिया आ जाते 20 लाख में इतनी जबरदस्त गाड़ी, मैं कह यहाँ पाकिस्तान में अगर ये गाड़ी ली जाए तो 18 3 करोड़ तक होगी, 3-4 करोड़, हाँ 3-4 करोड़ तक होगी, जो कि इम्पॉसिबल है ना। 3 घर बेचेंगे 1 करोड़ के, फिर जाए गाड़ी आएगी। हाँ। 20 लाख में इतनी जबरदस्त गाड़ी, या इंडिया शिफ्ट हो जाना चाहिए, इंडिया वालों की टेक्नोलॉजी इधर आ जानी चाहिए, एक काम हो जाना चाहिए। आप ठीक है, बहुत अमेजिंग गाड़ी है, मेरा दिल आ गया इस गाड़ी पे, मैंने लेनी है ये। इंडिया वाले खलो गया, जरा मैं आ रहे हैं 20 लाख से गड्डी लैन, हले प्लाट बेच के जाना हो, जरा दूसरे 5 मरले वाला। वो ऑफिशियली डीलर बन चुके हैं टेस्ला के, इवन चाइना में भी अभी तक टेस्ला ऑफिशियली डीलरशिप लेकर नहीं आई, बल्कि इंडिया में आई है। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि टेस्ला जैसी गाड़ियाँ, टेस्ला जैसी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी जो है वो आके इंडिया के अंदर डीलरशिप, ऑफिशियल डीलरशिप दे रही है इंडिया में? नहीं, इंडिया के साथ ना हम लोग कंपैरिजन नहीं करते, उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, उनकी आबादी देखे 1.5 अरब के, 1.25 अरब से क्रॉस कर गई हुई है, उनकी मार्केट बहुत बड़ी है। वो कोई भी प्रोडक्ट वहाँ लॉन्च करते हैं ना, तो वो वहाँ बिक जाती है, हमारी मार्केट बहुत छोटी है। अब 20 लाख भी यहाँ पे खर्चने वाले बहुत कम लोग रह गए, जो महंगाई की का लेवल हो गया है, तो वहाँ पे 20 लाख भी अब खर्चना जो है ना, अगर ले भी आप लेते हैं तो आप उसके मेंटेनेंस और उसके पेट्रोलिंग, वो सारा उसको मैनेज करना मेडियोकर के लिए ना बड़ा मुश्किल हो गया। देखिए ना, पाकिस्तान के अंदर अगर हम उसी गाड़ी की बात करें तो वो 2.5 करोड़ की गाड़ी है यहाँ पर, और वहाँ पर वो 20 लाख में मिल रही है, तो आपको क्या लगता है आखिर टेस्ला जैसी एक बड़ी कंपनी इंडिया को क्यों ट्रस्ट करी? वही ना पॉइंट, वही आ जाता है कि वहाँ मार्केट बहुत बड़ी है। पॉइंट मार्केट तो है, लेकिन स्टिल मार्केट के अंदर कंज्यूमर्स को भी तो देखा जाता है कि वो कंज्यूमर्स उस गाड़ी को अफोर्ड करेंगे भी या नहीं। अगर हम अपनी मार्केट को देखें तो क्या हमारी मार्केट इतनी सस्टेनेबल है? हाँ नहीं, अगर प्राइस वो वाली यहाँ पे दें तो जो लोग अब देखे ना, मेहरान की जगह वो अब ऑल्टो आ गई हुई है, वो भी तो यहाँ बिक ही रही है, तो अगर उससे इतनी अच्छी फीचर्स वाली गाड़ी इस प्राइस में यहाँ आ जाए तो क्यों नहीं बिकेगी? जाहिर है ऑल नो कि पाकिस्तान के अंदर जो हम कस्टम्स और टैक्सेस की तरफ आ जाते हैं, तो उसकी वजह से गाड़ी की जो इंपोर्टेड गाड़ियां होती हैं उनकी प्राइस कितनी ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे इस वक्त मैं खुद कस्टम से रिलेटेड, मेरी जॉब है जी, तो 400 to 500 times आप उसके ना ड्यूटी लग जाती है। Exactly. 1 लाख की चीज़ अगर इम्पोर्ट हो रही है ना, वो यहाँ पे 6 लाख की बाहर निकलती है कराची से,
तो इस वजह से प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब बाहर अगर कंपैरिजन करें आप तो बहुत सस्ती मिल जाती हैं गाड़ियाँ। बात तो वहीं आ गई ना कि अगर 20 लाख की गाड़ी आ भी जाती है तो उसके ऊपर जब हम इतना ज़्यादा टैक्स देंगे तो गाड़ी तो वहीं पे आ गई। बस ये तो गवर्नमेंट की कुछ शाह खर्ची हैं और कुछ मजबूरियाँ, 50% मजबूरी समझ लें, 50% उनकी शाह खर्ची हैं, क्योंकि वो ये सारा कुछ ना करें ना तो वो उनकी अपनी अयाशियाँ भी नहीं चल पाती, तो ये उनकी समझ लें कि मजबूरी है, उन्होंने इतने परसेंट टैक्स लगाना है, फिर कर्ज की अदायगी है, हमारे बहुत से इश्यूज हैं। हम ऐसे दुनिया से कंपैरिजन करें तो वो गलत बात है। हम लोग बहसियत कौम एक हम सबको सुधरने की ज़रूरत है, सिर्फ एक गवर्नमेंट को नहीं। तो मसला ये है कि यहाँ की शाह खर्चियाँ बहुत ज़्यादा हैं, उस हिसाब से ना फिर ये ड्यूटीज़ लगानी पड़ती हैं।